केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक पुरानी कार को नष्ट करके नई कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई कार खरीदने पर तभी छूट मिलेगी जब आप नष्ट कार का सर्टिफिकेट दिखाओगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक कार को नष्ट करके सर्टिफिकेट एक सरकारी की मान्यता प्राप्त एजेंसी की तरफ से जारी किया जाएगा और वहीं 15 साल पुरानी कार रखने वाले को अब 6 महीने में अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होगा, जो कि पहले 1 साल में करवाना होता था। केंद्र सरकार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फीस 2000 रुपए तक कर सकती है, जो कि अभी 50 रुपए ही है। इसी तरह 3-व्हीलर की फीस 5000 रुपए तक कर सकती है, जो कि मौजूदा वक्त में सिर्फ 300 रुपए ही है। वही रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ शिफ्ट कर सके।